हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इंडिया हमारा जो कंट्री है, यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा, मैंने देखा है, ट्रेंड को फॉलो करते हैं। भले ही हमारा ज़्यादा ट्रेडिशनल है हम लोग, लेकिन हम लोग ट्रेंड्स को भी काफ़ी फॉलो करते हैं। जैसे कपड़े भी हम लोग ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही पहनते हैं। बहुत ज़्यादा आउटडेटेड कपड़े जो ट्रेंड जा चुका है वो सब नहीं यूज़ करते हैं। वैसे ही आजकल कार्स में भी चल रहा है, इंडियन मार्केट जो कार्स की मार्केट है उसमें भी ऐसे ही चल रहा है। लोग जो ट्रेंडी चीज़ें हैं वो खरीद रहे हैं, ना कि जो चीज़ थोड़ी सी पुरानी हो चुकी, ट्रेंड से बाहर हो चुकी है, वो भी खरीद रहे हैं। लेकिन आजकल ट्रेंडी चीज़ें ज़्यादा बिक रही है मार्केट में, और रोड पर भी आपको ज़्यादा दिखती होंगी। जैसे कि कुछ सालों तक ट्रेंड में हैचबैक्स और सेडान्स थी, यही दोनों कार्स काफ़ी अच्छा कर रही थी मार्केट में, एंड लोग इन्हीं को सबसे ज़्यादा खरीद भी रहे थे। एंड एसयूवीज़ एक टाइम पे काफ़ी महंगी हुआ करती थी, मतलब 15-16 लाख से ऊपर की एसयूवीज़ आया करती थी। और मतलब आज के प्राइस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि एक अच्छी एसयूवी उस वक्त 15-16 लाख की तो कम से कम आती ही थी। तो अब 15-16 लाख से जो एसयूवीज़ आपकी चालू होती हैं, जो प्योर एसयूवीज़ हैं, मुझे नहीं लगता 15-16 लाख में आपको एक अच्छी एसयूवी मिलेगी। मैं कोई बेस मॉडल या कोई वो नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक प्योर एसयूवी की। तो 15-16 लाख के बाद की प्राइस पॉइंट पे आपको एक अच्छी परफेक्ट एसयूवी मिल सकती है। बट इंडिया में लोग एसयूवीज़ को थोड़ा ज़्यादा ही पसंद करते थे। हर एक आदमी सपना देखता था कि मैं भी एक बड़ी सी कार लेके चलूं, और काफ़ी लोगों को एक किंग टाइप की फीलिंग आती है एसयूवी खरीद के और चला के। तो आज मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि एसयूवीज़, खासकर मिनी एसयूवीज़, जो कि अभी ट्रेंड बहुत ज़्यादा मिनी एसयूवीज़ का बढ़ चुका है मार्केट में। मतलब मिनी एसयूवीज़ लोगों को इतनी पसंद आ रही है कि मतलब मिनी एसयूवीज़ की सेल्स काफ़ी अच्छी हो रही है। चाहे आप कोई भी सेगमेंट की कार उठा लीजिए, ब्रेज़ा हो गई, आपकी इकोस्पोर्ट हो गई फोर्ड की, टाटा नेक्सॉन, और नए नए राइवल्स भी आते जा रहे हैं, नए नए अपडेट्स भी आते जा रहे हैं कार में। जैसे XUV300 14 तारीख को आ रही है, तो काफ़ी सारी कार जो है नई नई राइवल्स भी दे रही हैं कंपनी की, कंपटीशन में रहें इस मार्केट में, इस सेगमेंट में। तो ये कार्स कितनी काम की हैं या फिर केवल नाम के लिए हैं, इनका कोई बहुत बड़ा यूज़ नहीं है, और या तो ये आपके लिए घाटे का भी सौदा हो सकती हैं सब कार्स, क्योंकि हर कार आपके लिए परफेक्ट नहीं होती है, क्योंकि आपकी नीड्स अलग होती हैं। तो नीड के अकॉर्डिंग आप कार लेंगे, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है उस चीज़ के अकॉर्डिंग आप कार लेंगे, तो आपके लिए वो कार अच्छी होगी। और आज के इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे रेड कलर का बटन दबा के मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो मिनी एसयूवीज़ जो हैं वो, उनका बजट जो है आजकल, मतलब एक हैचबैक अगर 8-9 लाख की आ रही है, मतलब अच्छी हैचबैक्स, तो 8-9 लाख में हैचबैक्स भी मिल रही हैं आपको, सेडान्स भी मिल रही, कॉम्पैक्ट सेडान्स, प्रीमियम हैचबैक्स एंड मिनी एसयूवीज़। तो मिनी एसयूवीज़ आपको मिल रही हैं उसी प्राइस ब्रैकेट में जितने में आपको एक सिडान या एक हैचबैक मिल रही है। तो लोग क्या प्रेफर करते हैं कि एक हैचबैक लोगों को देखने में छोटी लगती है, सेडान भी कॉम्पैक्ट लगती है देखने में, हालांकि सेडान लोगों को लंबी दिखती है देखने वाइज, बट मिनी एसयूवीज़ भी सब 4 मीटर में ही आती हैं, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ। क्योंकि हैचबैक्स और मिड साइज सेडान्स जो हैं आपकी, कॉम्पैक्ट सेडान्स, उनके जो प्राइस पॉइंट पे आती हैं वो सारी सब 4 मीटर एसयूवीज़ हैं। तो सब 4 मीटर का मतलब है कि वो एसयूवीज़ भी जो आपको बहुत बड़ी लगती हैं देखने में, तो वो असल में उन सबका साइज़ सेम ही है, लंबाई सेम है, एक प्रीमियम हैचबैक की, एक कॉम्पैक्ट सेडान की, एक मिनी एसयूवी की। तो इन सब की जो आपकी लेंथ है वो सेम है, तो इसका मतलब आपकी कार में जो है आपको वो देखने में बड़ी लग रही होगी, पर असल में वो उसी साइज़ की है जो कि हैचबैक और सेडान्स के साइज़ हैं। तो सबसे बड़ी बात ये। और अगर मैं बात करूँ मिनी एसयूवीज़ के फ़ायदे की, तो सबसे पहले मैं फ़ायदे बता देता हूँ और क्यों किन लोगों को ख़रीदनी चाहिए, किन लोगों के असली में काम की है मिनी एसयूवीज़, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो जो लोगों को, मतलब अब मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई ऐसी सड़क बची है, मतलब कि जहाँ पे कोई एक हैचबैक ना सक जा सके, जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस 160 से 180 mm के बीच में, आजकल हैचबैक्स तक में आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, एंट्री लेवल हैचबैक्स में मिल रही है, क्विड में आपको 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि आपको नई XUV300 जो आने वाली है उसके बराबर की ग्राउंड क्लियरेंस है। एंड आपको फोर्ड फ्री स्टाइल में भी 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि क्रेटा के आसपास है। तो इतनी ग्राउंड क्लियरेंस जब आपको हैचबैक्स में मिल जा रही है,
और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी रोड अब बची होगी, बहुत ही कम रोड्स मैंने भी देखी, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ी सिटी में रहता नहीं हूँ अभी, मैं यूपी साइड में ही रहता हूँ, तो यूपी में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे भी लोगों ने कहा है रोड काफ़ी ख़राब है, रोड बहुत ख़राब है, यूपी का तो नाम भी, मतलब यूपी में तो लोग अक्सर मानते भी हैं कि रोड्स ख़राब होती हैं। तो अगर यूपी में मैं वैगन आर अगर मैं एज ए एग्ज़ाम्पल लूँ, तो वैगन आर से मैं मतलब हर तरफ जा चुका हूँ, ऐसी कोई जगह नहीं है जो रोड ख़राब से ख़राब, जो लोग कहते हैं कि ये रोड ख़राब है, मतलब एक रोड नहीं, लोग कहते हैं कि भाई ये रास्ता बहुत ख़राब है, यहाँ मतलब दिक्कत होती है जाने में, उन रास्तों पे जब मैं वैगन आर लेके चला गया और मेरी कार नीचे से, मतलब जो मेन जो मिनी एसयूवीज में दिखाया जाता है वो है ग्राउंड क्लियरेंस, जो जितना आपको नीचे गैप मिलता है ना रोड से, वही तो वो दिखाया जाता है मिनी एसयूवीज में। बट मुझे वैगन आर में जब कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है जाने में, तब फिर मैं क्यों एक्स्ट्रा ग्राउंड क्लियरेंस लूँ। अभी मैं इस पर भी आऊँगा कि आप लोगों की फिलॉसफी ये भी होती है कि कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है उस उतना पैसा देके, तो ज़्यादा वाली चीज़ लेते हैं, बट ऐसा नहीं है, कंपनीज बेवकूफ़ नहीं है कि वो आपको एक प्रोडक्ट दिखा दे कि ये इसमें ज़्यादा मिल रहा है और उनका दूसरा प्रोडक्ट बिके ही ना। कंपनीज भी अलग अलग यूजेस के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से कार्स बनाती है, वो अलग अलग पीपल्स को टारगेट, अलग अलग लोगों को टारगेट करके कार बनाती है अपने हर सेगमेंट में, कि ये कार किन लोगों के लिए बेस्ट रहेगी, तो उन्हीं लोगों के लिए बनाती है। तो मिनी एसयूवीज का मेन जो फ़ायदा है वो है ग्राउंड क्लियरेंस का, और ग्राउंड क्लियरेंस का मुझे भी नहीं लगता कोई बहुत बड़ा फ़ायदा मुझे अभी तक नज़र आया, क्योंकि मैं सेडान्स तक को जाते हुए देखा है, मैंने डिज़ायर को देखा है जाते हुए, अमेज़ को देखा है, एस्पायर को देखा है, ख़राब से ख़राब सड़क पे चली जाती हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ बहुत बड़े बड़े खड्डे हो, ऑफ रोडिंग करनी हो, तो वो नहीं हो सकती इन कार से। एंड आपकी मिनी एसयूवीज में ग्राउंड क्लियरेंस तो है, लेकिन वो फीचर्स आपको इन मिनी एसयूवीज में नहीं मिलते जो आपको प्योर एसयूवीज में मिलते हैं, जैसे कि 4x4, ऑल व्हील ड्राइव, ट्रैक्शन कंट्रोल भी एक ही दो एसयूवीज में आता है, जैसे कि इकोस्पोर्ट, और आपकी इकोस्पोर्ट ही है जो मिनी एसयूवी सेगमेंट में जिसमें ट्रैक्शन कंट्रोल अभी तक आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी कार जो है वो अप मार्केट ज़्यादा हाई लेवल की हो जाती है, उनकी प्राइस ज़्यादा है और सब 4 मीटर में नहीं आती है। तो आपको जब प्योर एसयूवीज के फीचर्स नहीं मिल रहे, तो आप इन एसयूवीज को लेके हार्डकोर ऑफ रोडिंग भी नहीं कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस तो मैं मानता हूँ कि आपकी नहीं फंसेगी, कई कार में 200 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दे रहे हैं कंपनी वाले, लेकिन वो कार्स में जब 4 व्हील ड्राइव ही नहीं है, तो आप कीचड़ में फंसोगे, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, मड में फंसोगे, तो आप कर क्या पाओगे जब आपके पास वो पूरे फीचर्स नहीं है, आपको आधी एक ग्राउंड क्लियरेंस केवल मिली है, तो केवल ग्राउंड क्लियरेंस के दम पे आप ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते। एंड ग्राउंड क्लियरेंस का फ़ायदा केवल और केवल ऑफ रोडिंग में होता है, और कहीं इसका फ़ायदा नहीं है ग्राउंड क्लियरेंस का, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस जितना भी आपका कार का जो बॉडी होता है वो हाई होगा ग्राउंड से, उतनी उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम होगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब है कि जो कार को ग्रेविटी अपना, हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो आप जितना ऊपर कर दोगे तो उसकी पुल उतनी कम हो जाएगी कार के लिए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे ही कम होगा तो आपका जो कार का स्टेबिलिटी है हाई स्पीड पे, वो ऑब्वियसली वो आपको कम लगेगी, चाहे आप कोई हैचबैक ले लो चाहे सेडान ले लो। ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि इस प्राइस पॉइंट की कोई भी एसयूवी आप चलाएंगे, तो आपको उसी प्राइस पॉइंट की एक हैचबैक और सेडान में हाईवे पे स्टेबिलिटी बहुत अच्छी मिलेगी। मतलब कुछ एसयूवीज भी काफ़ी स्टेबल हैं, बट आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा कि हाँ ये चलाने में अलग कॉन्फिडेंस है, एक सेडान चलाने में हाईवे पे, और एक मिनी एसयूवी चलाने में हल्का सा डर है। एंड मिनी एसयूवीज को आप ऐसे क्लोज कट्स भी नहीं मार सकते हैं, एंड लेन चेंज भी बहुत जल्दी नहीं कर सकते, जो कि आप सेडान और हैचबैक्स में काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, तो ये एक बात है। एंड अगर आप सिटी में कार चलाते हैं तो मिनी एसयूवी, मतलब मैंने देखा है लोगों को खरीद खरीद के एकदम, मतलब बड़ी गाड़ी देखते लोगों को पता नहीं क्या लालच आ जाती है, वही खरीदते हैं, अपनी नीड्स नहीं देखते, अपने को कहाँ पार्क करनी है गाड़ी, कहाँ चलानी है वो नहीं देखते हैं, लोग खरीद के लाते हैं बड़ी सी एसयूवी, मिनी एसयूवी खरीद लेते हैं। मिनी एसयूवी का थोड़ा टायर्स बड़े होते हैं, टायर्स मिनी एसयूवी में बड़े आपको मिलते हैं, थोड़ी हाइट ज़्यादा मिलती है, बट जो उसका आपको ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है एंड थोड़ी बल्की भी होती हैं वो, उनकी बॉडी शेल थोड़ी सी और मोटी और हार्ड होती है, मतलब वो मतलब एट द एंड आपका थोड़ा एरिया ज़्यादा कवर करती हैं, तो उनको आपको शहर में चलाने के लिए
काफ़ी दिक्कत होती है, वो मैंने देखा है और मैं खुद फील कर चुका हूँ कि एक मिनी एसयूवी को अगर आप चलाते हैं ना, तो उसकी एक सीटिंग पोजीशन जो है वो थोड़ी सी अलग होती है। वो आप अगर एक आपको वो ट्राई करना पड़ेगा, अगर आप एक हैचबैक सेडान में बैठते हैं और आप एसयूवी में जाके बैठते हैं, तो आपको पक्का एक डिफरेंस मिलेगा कि आपको हल्की सी अनकंफर्टेबलनेस महसूस होगी एक एसयूवी में, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से सेडान और हैचबैक में अगर बैठ रहे हैं तो आपको एसयूवी में बैठ के बिल्कुल कंफर्ट का महसूस नहीं होगा, ये बात पक्की है। कंफर्ट महसूस नहीं होगा तो आपको शहर में पैर में दर्द होगा, आपका बैक पेन बढ़ जाएगा एंड आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो ग्राउंड क्लियरेंस लेके आप जाओगे कहाँ, आप शहर में गाड़ियों के ऊपर से तो नहीं निकाल लोगे अपनी गाड़ी, तो उसका उस ग्राउंड क्लियरेंस का वो कोई फ़ायदा नहीं उस शहर में। जब आपको शहर में ही चलना है तो आप हैचबैक लो, एक सेडान लो, आपको कंफर्ट भी देगी, माइलेज भी ज़्यादा देगी। हाँ, जो सबसे बड़ा आप लोग का मार्केट इंडियन कस्टमर्स को चाहिए रहता है माइलेज, तो माइलेज जो है ना वो एक, अगर एक प्राइस पॉइंट की फिर से आप हैचबैक उठा लो और एक प्राइस पॉइंट की मिनी एसयूवी उठा लो, तो माइलेज आपको हैचबैक ही ज़्यादा देगी ऑल द टाइम। एक मिनी एसयूवी आपको ज़्यादा माइलेज नहीं देगी हैचबैक से, पक्की बात है। 2 से 3 किलोमीटर का फर्क आता है एक मिनी एसयूवी सेडान और हैचबैक के माइलेज में, तो 3 किलोमीटर का फर्क भी पड़ रहा है माइलेज पे, और माइलेज आपको सिटी में और कम मिलेगा हैचबैक, अरे सॉरी, मिनी एसयूवीज में। एंड आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, जिसको लेके लोगों को कंसर्न रहता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है, वो मेंटेनेंस कॉस्ट भी मिनी एसयूवी की ज़्यादा है, क्योंकि उसके जो शॉक एब्जॉर्बर्स हैं वो थोड़े हार्ड हैं, उनकी थोड़ा ट्रैवल ज़्यादा होती है, तो ट्रैवल ज़्यादा होने की वजह से कई चीज़ें जो कार में मूवमेंट ज़्यादा होगा तो आपका वेयर एंड टेयर बढ़ जाता है, वेयर एंड टेयर बढ़ेगा तो कार की सर्विस कॉस्ट बढ़ेगी। कार की सर्विस कॉस्ट हमेशा मिनी एसयूवी की ज़्यादा ही रहेगी एक हैचबैक और सेडान से, ये बात पक्की है, ये बातें पक्की हैं। एंड अगर मैंने देखा, मैंने आप लोगों को खुद बताया कि एक हैचबैक आज के टाइम पे भी 170-190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दे दे रही है, तो वो बहुत है, और अपनी इंडिया की रोड इतनी भी ख़राब नहीं है सर, आप लोग थोड़ा समझो इस बात को कि इतनी भी ख़राब रोड नहीं है इंडिया में कि आप मतलब उसके लिए एक एसयूवी खरीद लाएं। मुझे अभी तक कोई ऐसा रोड नहीं मिला कि जहाँ पे एक 170 mm से का ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस की हैचबैक या 170 mm की सेडान ग्राउंड क्लियरेंस वाली नहीं जा सकती, ऐसी रोड मैंने अभी तक नहीं देखी। बहुत ख़राब ख़राब रास्ते हैं, फैज़ाबाद आजमगढ़ का रास्ता है बहुत ख़राब है लोग कहते हैं, लेकिन उस पर एसयूवी परफॉर्म अच्छा कर देगी, ये बात पक्की है। थोड़ा आपको उस रास्ते पर एसयूवी का थोड़ा मज़ा आएगा क्योंकि बम्प्स पे आराम से निकलेगी, बट ऐसा नहीं है कि हैचबैक सेडान वहाँ जा नहीं सकती हैं, वो भी चली जाएंगी। तो कुछ लोग कहते हैं कि मान लो कभी जाना पड़ा खराब रास्ते पे, तो मान लो अब आपको पूरे टाइम तो शहर में चलना है, एक दिन जाना है तो एक दिन के लिए आप खराब रास्ते पे कॉम्प्रोमाइज कर लो। आप एक दिन कॉम्प्रोमाइज ना करने की वजह से खराब रास्ते पे, अगर आपको साल में एक दिन खराब रास्ते पे जाना है तो एक दिन आपको चला के केवल मजा आएगा 365 दिन में से, और 364 दिन जो आपके निकलेंगे साल में वो आपके दर्द में निकलेंगे अगर आप मिनी एसयूवी खरीद लेते हैं तो। सीधी सी बात है, अगर आपको शहर में चलाना है तो आप मिनी एसयूवी खरीद के लाते हैं केवल इसलिए कि कभी हमको खराब रास्ते पे जाना पड़े। तो मैं मान लेता हूँ साल में आप एक 10 दिन 15 दिन भी गए, तो 10 दिन 15 दिन तो आपकी मौज है, वहाँ चले गए, चलो आपको अच्छा लगा, हाँ काम कार अच्छा परफॉर्म कर गई, लेकिन जब आप 10-15 दिन और जो 360 दिन है, बाकी के 355 दिन है, वो आप दर्द में बिताओगे, आपको खुद ही प्रॉब्लम होगी, और ये बात पक्की है कि एसयूवीज में उस लेवल का कंफर्ट आपको नहीं मिलता है। एंड एक और कंसर्न जो मैं हमेशा करता हूँ, सेफ्टी का। सेफ्टी भी भले ही कुछ एसयूवीज 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग ले आती हैं, बट ऑन हाईवे, हाईवे पे जो स्टेबिलिटी है वैसे कम हो जाती है, तो सेफ्टी वैसे कम हो जाती है, क्योंकि जितनी हाइट बढ़ती है ना, वो जो सेफ्टी फीचर्स हैं उनकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। जैसे ABS EBD अगर किसी कार में लगा हुआ है एक हैचबैक में, तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, ना कि एक मिनी एसयूवी में। तो सीधी सी बात है कि सेफ्टी भी आपको हैचबैक्स और सेडान्स में थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू मिनी एसयूवीज, ये भी एक बड़ा कंसर्न है। तो फ्रेंड्स, मेरा कहने का केवल इतना मतलब है, मिनी एसयूवीज काम की चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि काम की चीज़ नहीं है, लेकिन मिनी एसयूवी अभी बहुत ज़्यादा लोगों के काम की नहीं, जितनी उसकी जितनी नीड है ना, उससे ज़्यादा उसकी डिमांड हो रही है, ये प्रॉब्लम है। मिनी एसयूवीज बिक उतना रही है, जिनको ज़रूरत नहीं वो भी खरीद रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है।
आपको जो जरूरत है आप वो खरीदो, जिनको मिनी एसयूवी की जरूरत है वो मिनी एसयूवी खरीदें। अगर आपको 365 दिन में से 300 दिन खराब रास्ते पे चलना पड़ता है, मतलब बम्पी रोड्स हैं, एकदम खड्डे हैं बड़े बड़े, तो मिनी एसयूवी आप खरीद के लाओ, वरना कोई रीजन नहीं। अगर आपको 150 दिन से भी कम अगर गंदे रास्तों पे चलना है, 100 अगर 100 दिन गंदे रास्तों पे चलना है, 200 दिन आपको अच्छे रास्ते पे चलना है, तब भी आप मिनी एसयूवी की तरफ मत देखिए, क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज कम, जहाँ कम कॉम्प्रोमाइज करना होगा वहाँ कॉम्प्रोमाइज करोगे ना, जहाँ ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज करना होगा वहाँ आपको भी प्रॉब्लम होगी। तो ये बात है। एंड फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा तो जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, एंड अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी तरीके डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो लाता रहता हूँ, तब तक के लिए आप लोग सीट बेल्ट पहनी, हेलमेट पहनी एंड सेफ चलिए। गुड बाय।